इस वक्त हिंदुस्तान में दो चीजें बहुत तेजी के साथ अपना फन फैला रही हैं, एक महंगाई और दूसरा करप्शन। करप्शन न सिर्फ मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर देता है बल्कि कमर तोड़ महंगाई के साथ जराइम में भी इजाफा कर देता है। यही नासूर आज मुल्क के हर शोबे में पनप रहा है, चाहे वो सियासत हो या सहाफत, खेल कूद हो या हुकूमती फंड। हुकुमरां और आला ओहदों पर फायज अफसर से लेकर अदना दर्जे के चपरासी तक हर कोई करप्शन में शराबोर नजर आता है। आज हर कोई आसानी की खातिर और अपना काम जल्दी निकालने के लिए ओहदेदारों को मजबूरन नजराना पेश करता है। क्या हम और आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं? इसीलिए अगर मुल्क को करप्शन और तबाही से बचाना है तो हमें बेदार होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि हम बदलेंगे देश बदलेगा। इसी अहमियत के पेश नजर ईटीवी उर्दू पेश करता है हम बदलेंगे देश बदलेगा की अगली कड़ी, करप्शन। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है ईटीवी उर्दू के एक और एपिसोड में, हम बदलेंगे देश बदलेगा। करप्शन जो इंसान को हैवान बना देता है, करप्शन जो मुल्क की मईशत को तबाह कर देता है, करप्शन जो कमर तोड़ महंगाई लाता है, करप्शन जिससे गुर्बत बढ़ जाती है, करप्शन जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है, करप्शन जिससे हमदर्दी और मोहब्बत खत्म हो जाती है, करप्शन जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की रुक जाती है, करप्शन जो एतमाद को खत्म कर देता है और जराइम में इजाफा कर देता है। हम बात कर रहे हैं करप्शन की, मैं उन लोगों की बात भी करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान में सच्चाई का साथ देते हैं, जो क्रेडिबल हैं, जिनके पास वैल्यू सिस्टम्स हैं। तो एक रोशनी मुझे जो नज़र आती है वो उन लोगों में नज़र आती है जो यंगस्टर्स हैं। आज का यंगस्टर आम तौर पे करप्शन का रुझान नज़र नहीं आता। और मैं उस आदमी की भी बात करूँगा, जैसे एक क्लर्क होता है, एक क्लर्क होता है जिसकी सैलरी 5 से 7 हज़ार रुपये होती है, किसी मेट्रो में हो या कहीं हो, उसके 2-3 बच्चे होते हैं, एक कमरे की ज़िंदगी, छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए उसके पास तंगी होती है। सुबह उठा तो उसको ये नहीं मालूम होता कि कल उसका कैसा कैसे गुजरेगा, लेकिन वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो अपनी ज़िंदगी को वो वैल्यूज़ और वो एथिक्स, वो क्रेडिबिलिटी, वो इंडियन कल्चर और इथॉस के तहत बांध कर अपनी नज़रों को सीधा रख कर कभी झुकने नहीं देता। वो एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में अच्छे लोग भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग शायद बुरे लोग से बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उसको हम कहते हैं साइलेंट मेजॉरिटी जी, साइलेंट खामोश मेजॉरिटी जी, जो सफ़र करती है जी, वो बोलती नहीं जी, और उसकी मुंह में ज़ुबान डालने के लिए जी, आपके पास आले नहीं हैं। आप उसके पास तो टेलीविज़न लेके नहीं जाते, नहीं जाते हैं कि बेटा तुम बताओ कैसी गुजर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक उस मीडिया की ज़रूरत है जो कि इन ऑनेस्ट लोगों को वो सामने लाए जी। आपने ये कहा कि अच्छे लोग ज्यादा हैं जी, मानता हूँ अच्छे लोग ज्यादा हैं बेशक, लेकिन अच्छे लोग कैसे हैं वो इसलिए कि किसी तरीके से वो ये जो ग्रैब 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 कल्चर से अपने आप को महफूज कर सके। उन्होंने कैसे महफूज किया? किताबों में डूब गए जी, या उनके घरों के मुआशरे अभी तक महफूज हैं। अच्छा, यानी हमारे यहाँ जो फैमिलीज थी वो ये जो टूट रही हैं शहरों में आके, जो न्यूक्लियर फैमिली बनी जी, हमारे यहाँ ये सब इन कदरों की हिफाजत फैमिलीज किया करती थी जी, जी, पुश्तैनी तौर से जी, वो फैमिलीज मौजूद हैं जी, और कहीं टूट रही हैं जी, जहाँ टूट रही हैं वहाँ वैल्यूज बदल रहे हैं हाँ, वहाँ ग्रैब 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 बन गया है, जहाँ नहीं टूटी है वहाँ पे शेयरिंग है। अच्छा, बेटा वो छोटा भाई भी है हाँ, उसका भी ख्याल करना, तुम तो कामयाब हो गए हाँ, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो एक मिलजुल के चलो। वो जब एक भाई के बारे में आप सोचते हैं तो फिर मोहल्ले के बारे में भी सोचते हैं, जब मोहल्ले के बारे में सोचते हैं तो पूरे मुआशरे के बारे में सोचते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है, उसको उसके और हमारे बीच में एक दरार। मैं बार बार आऊंगा मीडिया की कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये नए वैल्यूज पैदा करता है, ये नए, क्योंकि कदरें
जो आप पहले तो हम लोग घर में बैठ जाते थे हुजरे में, आपस में बातें करते थे, शेर व शायरी करते थे, अच्छी अच्छी बातें होती थी, अच्छी अच्छी कदरें सिखाई जाती थी। अब सब कान में कुछ लगाए हुए, आप बात कर सुन ही नहीं सकता है, वो उसके हाथ में लट्टू है, वो आईपॉड है, और सामने उसके टीवी लगा हुआ है, आपका अपना बच्चा मेंटली प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो किसी इन्फ्लुएंसेस दूसरे हैं, वो इन्फ्लुएंसेस हैं मार्केट के, जी हाँ, वो इन्फ्लुएंसेस हैं लालच के, जी हाँ, वो इन्फ्लुएंसेस हैं वो जो कि उससे कहते हैं कि जाके सिटी सेलेक्ट सिटी मॉल की दुकानों से जाके तू कपड़े खरीद के ला, जी, क्योंकि शाम की पार्टी में वो अच्छे लगते हैं, जी हाँ, तूने देखा कैसे लड़कियां पहन के घूम रही थी, वैसे ही तू हो जाएगी, अगर तू हो जाए तो ये जो आले आ गए हैं इसमें ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशंस के नए एलिमेंट्स वो हमारे कैरेक्टर को बदले दे रहे हैं। उन एलिमेंट्स को उन आलों को उन हाथों में दे दिया जाए जो कि हमारे कैरेक्टर को साधें तो बहुत काम हो सकता है। बेहतरीन बात आपने कही नकवी साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नाजरीन आप जाएगा नहीं, हम अभी लौट। हम बदलेंगे, देश बदलेगा।